संसार साल दर साल तरक्की कर रहा है। आज तो 60-70 साल पिछे मुड़ के देखिए तो पता लग जाता है असी कितनी दूर आ चुके हैं। हर बीते साल के नाल कुछ नवीं चीज़ा सामने आदियाँ हैं। अजिहे दे विच हर कोई जानना चाहता है कि उन्हां दा आने वाला भविख किहो जिहा होवेगा। 2023 नूं लैके कुछ डरावनियां भविखबाणियां कीतियां गईयां हैं, कुछ अजिहियां खतरनाक गल्लां दसियां गईयां है जो कि हुण असल जिंदगी दे विच सच हुंदियां होईयां नज़र जरूर आ रही हैं। कहा जा रहा सी कि 2023 दे विच तबाही आवेगी, 2023 दे विच लखां लोकां दी मौत दी भविखबाणी जिहड़ी है उह कीती गई सी, और इह सारियां गल्लां हुण सचमुच जिंदगी दे विच सच हुंदियां नज़र जरूर आ रही हैं। तुर्की दे विच जिस तरह तबाही वेखण नूं मिली, तुर्की दे विच जो भूचाल आया भूचाल के कारण हुण तक हज़ारां लोकां दी मौत हो चुकी है ते गिणती रोज़ाना वधदी होई ही नज़र आ रही है। इस तो बाद ब्राज़ील दे विच जो हड़ आया उस दे विच भी कई लोगों ने अपनी जान गवाई। सिर्फ लखां लोकां दी मौत दी गल ही नहीं बल्कि 2023 नूं लैके होर भी वख-वख तरह दीआं भविखबाणियां होईआं है कि किस तरह आउण वाले साल 2023 दे विच इह भविखबाणियां हुण सच हुंदियां होईआं नज़र आ रहा है। कहा जा रहा सी कि 2023 दे विच लोकां नूं काफ़ी परेशानियां दा सामना करना पै सकता है। भुखमरी की गल भी जिहड़ी है वह की गई सी, नाल ही कहा गया सी कि बहुत सारे लोग है जिहड़े कि अपने काम कार गवा देंगे, यानी कि वह बेरोज़गार होकर दुनिया ते घूमणगे। ये सारिया गल्लां हुण असल जिंदगी दे विच सच हुंदियां होईयां नज़र जरूर आ रही हैं। जिवें तुर्की दे विच तबाही वेखण नूं मिली, उसी तरीके हुण उत्तराखंड दे विच भी तुर्की वर्गी तबाही का डर बनता होया नज़र आ रहा। विज्ञानियों ने चेतावनी दे दिती है, कहा जा रहा है कि GPS पॉइंट हिल रहे ने, कदे भी भूचाल आ सकता है। तुर्की दे विच भूचाल के कारण हज़ारां लोगों की मौत हो गई, लखां लोग बेरोज़गार ते बेघर हो गए, लगभग इन्ने ही लोग जख्मी हुए हैं। बचाव कार्य पिछले कई दिनों तो लगातार जारी है। इस दे विचकार भारत के नैशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वलों ये गल कही गई है कि उत्तराखंड के भी तुर्की वर्गे भूचाल की चेतावनी हुण दे दिती गई है, यानी कि हुण उत्तराखंड के भी तुर्की वर्गा भूचाल वेखण नूं मिल सकता है। उन्हां दे वल्लों कहा जा रहा है कि असी उत्तराखंड के केंद्रित हिमालयन खेत्र दे विच लगभग 80 भूचाल केंद्र स्थापित किए हैं। असी असल समय दे विच स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। साडे डेटा तो पता लगता है कि तनाव काफ़ी समय तो इकट्ठा हो रहा है। साडे कोल खेत्र दे विच GPS नैटवर्क है, GPS पॉइंट हिल रहे हैं, सड़ा ते हेठा तब्दीलियां नूं दर्शाउंदियां हन। उत्तराखंड दे विच भी हुण भूचाल आ सकदा है। डॉक्टर राव दा कहना है कि धरती ते की हो रहा है ये निर्धारित करन दे लई वैरियोमैट्रिक GPS डेटा प्रोग्रामिंग एक भरोसेयोग ढंग है। राव ने यह गल भी आखी कि असी सही समय अते मिट्टी दी भविखबाणी नहीं कर सकते, पर उत्तराखंड दे विच किसी भी समय भूचाल आ सकदा है। समझ लो कि भूचाल हुण किसी भी तरीक नूं आ सकदा है। उत्तराखंड दे विच हुण तबाही की चेतावनी जिहड़ी है वह दे दित्ती गई है। कहा जा रहा है कि हुण 8 तो वध दी तीव्रता दे नाल उत्तराखंड दे विच भूचाल आ सकदा है। तो हुण इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर जरूर करियो, होर लोगों तक यह वीडियो पहुँचाओ ताकि होर लोगों नूं भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके। साडे चैनल दे नाल जुड़े रहो।